को दिखा देता हूँ कब की है ये। जोन की है, जोन 2000। ये भाई 49 हॉर्स पावर वाली है, चेक करो। मैं लोडर में आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ भाई कैसे, मतलब ये बंद नहीं हो रही है, इसके अंदर क्लच प्लेट नहीं है उसी वजह से भाई। अरे नहीं 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 इन गाड़ियों के अंदर भी भाई आती है मोटर, पहले होने देते हैं मोटर को बंद। ये आप आवाज सुन सकते हो, देखो ये हो गई मोटर की आवाज बंद, अभी करते हैं भाई इसको स्टार्ट। ये भाई गर्मी की रात के लिए भाई, गर्मी से बचने के लिए भाई, देखो क्या शानदार कूलर लगा है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश साहब का अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूं, आशा करता हूं सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब हम चल रहे हैं भाई इंटर डालने के लिए, और भाई आज मैं बताने वाला हूं भाई अपनी गाड़ी के अंदर भाई ये बहुत ही शानदार कूलर लगा हुआ है भाई, और भाई बहुत ही शानदार ठंडी हवा देता है भाई। अभी कितनी गर्मी हो रही है भाई, आज इतनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर भाई बादल है छाए हुए, और भाई धूप भी बिल्कुल कम है, उसके बाद ही भाई इतनी ज्यादा गर्मी है भाई, देखो पूरा मैं पसीना पसीना हो गया, पूरा मुंह देखो मेरा पानी पानी सा हो रहा है। चलो भाई ये बताएंगे आपको और चलते हैं भाई, करते हैं वो लोग कंटिन्यू। जिन भाई ने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो जल्दी से जाके भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई ठीक है, करते हैं वो लोग कंटिन्यू, और आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। जय श्री राम। निकल चुके हैं भाई साहब घर से, महादेव गेटक बंद करे। इधर भाई चल रहा है रोड का काम, हम गाड़ी खाली करके भाई आ गए। ये देख लो भाई आगे चल रही है भाई न्यू जेसीबी अपने सामने, ये भी एक न्यू जेसीबी है भाई, ये देखो भाई साहब चल रही है मशीन, देखे भाई अलग ही इसका आता है भाई मशीन के ऊपर। ये चल रही है भाई साहब इधर, अच्छा 49 हॉर्स पावर वाली है। किसो काम है भाई साहब? यहाँ पर चल रही है भाई ये 49 हॉर्स पावर वाली मशीन, इसको अभी भाई आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, मेरे ख्याल से भाई 10-1 दिन हुए होंगे। ये चेक करो भाई साहब आप, यहाँ पर ये रोड का काम चल रहा है भाई, इतनी रोड की कटाई होगी बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। ये भाई 49 हॉर्स पावर वाली है, चेक करो आप। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कब की है, जून 2023 भाई। ये देखो भाई साहब ये इंटेली परफॉर्मेंस, ये चेक करो भाई। ये देखो परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ भाई मैं आपको कैसी चल रही है ये। ये देखो भाई परफॉर्मेंस चेक करो भाई इसकी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है भाई। ये ऑपरेटर भाई साहब है हैं? नहीं नहीं भाई बहुत ही स्मूथ चल रही है भाई। नहीं नहीं क्या चैलेंज ठीक है मशीन? ऑपरेटर भाई साहब बता रहे हैं भाई बहुत ही बढ़िया चल रही है मशीन अभी तो। नई मशीन के तो भाई रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहता है,
पुरानी होने पर पता चलेगा भाई इनका कैसा रिजल्ट होता है भाई मशीनों का। ये चेक रहा भाई, अभी तो बहुत स्मूथ चल रही है भाई। बॉकेट भी भाई इसका बंधाया हुआ है, देख लो बेल्डिंग से भाई, अपन ने अभी बॉकेट नहीं बंधाया। देखो ये चेक करो भाई, क्या शानदार चल रही है। देखो ओ भाई आगे अपनी गाड़ी खड़ी है, मशीन देख के भाई मैं थोड़ा रुक गया था यहाँ पर, देख लेते हैं भाई कैसी चल रही है मशीन। ये नई फ्रेश मशीन है एकदम भाई, 10 दिन ही हुए अभी तक इसको आए हुए, 71 घंटे के लमसम चलिए भाई। ये चेक करो भाई बॉकेट कैसे बंधाया हुआ है यहाँ पर, चेक करो भाई बॉकेट यहाँ से। देखो ये पत्ते बहुत ही हार्ड वाले पत्ते लगे हुए हैं यहाँ से भाई, ये क्या कि ये कटेगा नहीं बॉकेट अपना। ये देखो ये चेक करो भाई बॉकेट का डिजाइन, डिजाइन भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इससे। अपना तो भाई अभी सादा है। इधर भाई चल रहा है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से हो रही है भाई रेवलिंग, बहुत ही शानदार वाली परफॉर्मेंस है भाई इसकी अभी के टाइम में। तो आगे क्या रिजल्ट रहने वाला है भाई, अपने पास एक गांव में मशीन है भाई, वो भाई मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। नई नई मशीन चलाने का भाई फीलिंग ही अलग ही होता है। ये देखो भाई, भाई साहब के मन में भाई अलग ही खुशी है। देखो क्या शानदार फीलिंग आ रही है मशीन को चलाने में। ये चेक करो भाई, अभी भाई हम भी चेक करेंगे चला के भाई कैसी चल रही है, देखते हैं। अंदर से चेक करो भाई एकदम, अभी भाई नई नई मशीन है ना पूरी। देखो और मैं घंटे दिखा देता हूँ भाई आपको, अभी देखो 72 घंटे चले भाई, 26 तारीख है आज। इधर पंखा चल रहा है भाई ऊपर, ये म्यूजिक सिस्टम है और ये भाई सारा सिस्टम वो सेम ही है, ये देख लो आप। लोडर में आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ भाई कैसी परफॉर्मेंस है। ये भाई थोड़ा ऐसे करना पड़ता है बॉकेट को, इससे क्या है भाई मशीन ज्यादा स्लिप नहीं करती है। ये देखो कैसे आगे से ऊपर उठ रही है पूरी मशीन, ये देखो चलने लग गई है ना आगे, नहीं तो भाई ये टायर पीछे वाले टायर है ना भाई ये पूरे स्लिप होने लग जाते हैं। अब इसको थोड़ा भाई हम ऐसे लंबा कर लेते हैं ना भाई, उससे थोड़ा क्या मशीन को चलने में आसानी हो जाती है, टायर है वो बिल्कुल स्लिप नहीं मारते भाई। चल रही है भाई लोडर के अंदर देख लो आप, बढ़िया ही परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई अभी तो, थोड़ी बस दब रही है, दब थोड़ी ज्यादा रही है इसके लिए हमने को भाई एक्सीलेटर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, और तो ठीक है। जैसे हम भाई दूसरी वाली मशीन को चलाते हैं ना 74 HP वाली को, उस तरह से भाई हम सिल्लू रेस के अंदर नहीं चला पाएंगे इसको,
एक्सीलेटर अपने को पूरा देख के रखना पड़ेगा भाई। अभी हम करते हैं भाई चेक मशीन को भाई, लोडर के अंदर क्या परफॉर्मेंस है हम चलाएंगे। ये भाई साहब बना देंगे भाई अपना वीडियो। अगर भाई अपना लोडर का काम होना तो भाई ये अपने लिए मशीन सही नहीं है। भाई ये दो नंबर में चल रही थी, अब हम भाई एक नंबर में चलाने वाले हैं भाई। एक नंबर में कितना दबेगी देख रहे हैं। एक नंबर में तो भाई इसकी जान से निकल रही है भाई। इसमें भाई थोड़ा इसको फास्ट चलना चाहिए था, लेकिन देख लो ये कैसे भाई कर रही है ये। लोकल काम के लिए भाई मशीन सही है, पर्सनल कामों में ये मशीन काम नहीं है। लोकल में इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा लग रहा है भाई जैसे ये मशीन बंद होगी, लेकिन बंद तो ये नहीं होती क्योंकि इसके अंदर क्लच प्लेट नहीं होती भाई। आनंद नहीं आ रहा है भाई, उतनी अच्छी फीलिंग नहीं है इसकी भाई लोडर में, बाकी तो सब ठीक है। पूरा लोडर भरे जाए बस, पावर कौन सा लेना हमें। ये चेक करो भाई, मतलब ये बंद नहीं हो रही है, इसके अंदर क्लच प्लेट नहीं है उसी वजह से भाई, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। आवाज़ चेक करो भाई इसकी, कितना दब रही है ये मशीन चेक करो आप। ये देखो अबे भाई थोड़ी डाल मिली है इसको, पक्की जगह है यहाँ पर, तो देखो बढ़िया कमाल कर रही है ये, फिर भी दब इतना रही है मशीन, पूछो ही मत भाई साहब आप। ये देखो लोडर जैसे ही हम उठा रहे हैं ना, जैसे देखो कितना दब रही है मशीन, एक नंबर के अंदर चलती हुई भी भाई, ये दो नंबर के अंदर तो भाई ये पूरी तरह दब रही थी। उसका बस एक ही फायदा है, वापस ब्रेक जाते टाइम भाई थोड़ा अपना टाइम कवर होता है उसमें, बाकी उसमें कुछ नहीं है भाई। पूरी दबा के चला रहा है भाई साहब, और मैं भी भाई पूरी दबा के ही भाई मैंने मशीन को चलाया है। पूरा देखो गर्मी से भाई हो गए पसीने से लथपथ पूरा भाई,
गाड़ी को भाई अपने लगा दिया था साइड में, पहले करते हैं भाई कूलर को, चलो थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं भाई। आज क्या करने वाले थे भाई और क्या कर दिया भाई अपन ने। चलो भाई इसका वीडियो रखेंगे हम और आगे, ये भाई वीडियो मेरे हिसाब से हो जाएगी भाई बहुत ही ज़्यादा लंबी। इसके अंदर भाई मैंने आपको भाई बता ही दिया है, अपने हिसाब से भाई देख लेना। लोडर के लिए भाई अगर आप सोच रहे हो ना मशीन लेने के लिए, भाई मेरी मानो तो इस मशीन को भाई मत ही लेना। ये देखो नंदू भाई कैसे ऊपर चढ़ रहा है बार बार, मैं जब भी जेसीबी के पास आता हूँ भाई ये ऐसे मस्ती करने लग जाता है। देखो कैसे मस्ती कर रहा है, कैसे ऊपर चढ़ रहा है। देखो अब ऊपर कैसे चढ़ेगा, चढ़ जाएगा। ये देखो ये अंदर चला गया भाई, ये देखो बहुत बढ़िया लगता है क्या तेरे को ऐसा करना। ये देखो फिर से वापस उतरने लग गया, ये चेक करो भाई आप। भाई साहब मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी थी भाई, जिन भाइयों के भाई अंदर दिमाग अंदर भाई जो भी सवाल चल रहे थे ना भाई, उन सारे सवालों को भाई मैंने आज जवाब दे दिया भाई कि गुण 50 हॉर्स पावर वाली मशीन भाई अपने को लेनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, ले हो भले ही, लेकिन उसको क्या है कि जब हम पर्सनल काम के लिए भाई लेते हैं ना लोडर के अंदर भाई, वो बिल्कुल भी काम की नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोडर हम चला सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन भाई लोडर के अंदर भाई मैंने खुद चला के चेक किया है। पूरा लोडर भरने के बाद भाई एक नंबर गियर के अंदर भाई मैं चला रहा था, एक नंबर गियर के अंदर भाई चलाने के बाद भी भाई मशीन पूरा ऐसे दब रही थी जैसे भाई मशीन बंद होने वाली हो। लेकिन इसमें मशीनों के अंदर भाई क्या है, क्लच प्लेट तो होती नहीं है, तो भाई ये बंद होने की भाई इसमें शिकायत नहीं होती है, लेकिन वो भाई पूरा ऐसा दब रही थी मशीन भाई जैसे वो बंद होने वाली है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, बंद तो ये होती नहीं है भाई साहब। तो भाई मैंने आपको पूरा बता दिया भाई अपने को कौन सी, मेरे हिसाब से तो भाई जिन भाई का अपना पर्सनल काम हो उनको भाई यही लेनी चाहिए 74 हॉर्स पावर वाली, और भाई एसी में ले सकते हैं। एसी में भाई मैंने आपको बता ही दिया कि डीजल में और नॉन डीजल, नॉन एसी में भाई डीजल का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। तो भाई साहब डिटेल मैंने आपको पूरी बता दी है, अब आप अपने हिसाब से भाई अपने काम के हिसाब से भाई कोई सी भी मशीन ले सकते हो। मशीनें दोनों में कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मैं नहीं ये बोलूँगा भाई कि ये बहुत अच्छी है वो बहुत ही ख़राब है, लेकिन भाई लोडर के अंदर भाई वो थोड़ी सी कम चलती है। तो भाई अपने काम के हिसाब से भाई जो अपने को अच्छा लगे भाई वो ले लेना, क्योंकि भाई उसके और इसके अंदर भाई 2-3 लाख का भाई फ़र्क है पैसों का। तो भाई जैसा आपको अच्छा लगे ना भाई वैसा काम कर लेना। चलो भाई ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पर ख़त्म। आशा करता हूँ भाई आपको अच्छा लगा होगा। जिन भाइयों ने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो जल्दी से जाके भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलो भाई ठीक है, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। क्या करना है तू बोल दो इनको, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कह सब्सक्राइब करो, कह सब्सक्राइब करो, यहाँ के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो। चलो भाई ठीक है, नंदू ने भी बोल दिया है, कर देना भाई लाइक, कर देना शेयर, कर देना सब्सक्राइब, कर देना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं अगर नदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।